प्यार नाल जपो सतनाम श्री वाहेगुरु। हुणे तुसीं बड़े प्यार नाल परम पूज्य महाराज जी दे अमृत बचन सरवण कीते है, क्योंकि दिल्ली दी संगतां नूं तां इह रोज ही प्राप्त हो जांदे है, जिहड़ियां दूर संगतां बैठियां देशां विदेशां विच, ते ऐसे ऐसे हिंदुस्तान दे इलाके हन, कई संगतां प्यार वालियां मिलदियां जिन्हां ने महाराज जी दा कीर्तन नहीं सुनिया हुंदा, वो अज दे दिन जां गुरु नानक फार्म ते समागम हुंदा है या महाराज जी दे स्थान ते जिहड़े समागम लाइव टैलीकास्ट हुंदे न, उन्हां नूं जदों सुनदे न ते सात संगत जी उन्हां नूं बड़े इत्थों सुन के श्रद्धा गुरु दे चरणां दी प्रीत और उन्हां दे नितनेम बणदे न। दास पिछे मद्रास कीर्तन करन गए सन कुछ समा पहले, जदों मैं कीर्तन करके बाहर निकलिया एक बुजुर्ग आ गए, कहन लगे तुसी कीर्तन विच महाराज जी दा नां लिया, मैं उन्हां दे दर्शन कीते है। मैं गड्डी च बह गया सां, उठिया बाहर निकलिया, मैं कहा तू बागां वाला है बई, मेरे महाराज दे तू दर्शन कीते है, कोई बचन सुना उन्हां दा। कहिंदे जदों लाहौर आए सन कीर्तन हो रहा सी, ते उन्हां ने संगत विच कीर्तन करके बाद विच बाहां खड़ियां कराईयां बई, हर एक कोई छे माला पहली पौड़ी का नितनेम करिया करो। कहिंदे 60 वरे हो गए मैं उन्हां संगत विच बह के बांह उची कीती सी, ते अज इतनी उम्र हो गई है, बुढ़ा हो गया, पर वो मेरा नितनेम अज भी जारी है। कहण तो भाव है साध संगत, जदों कोई महापुरख का बचन मनदा है ना, तो फिर महापुरख उसनू अपना बल भी देंदा है, नितनेम करन दा बल भी देंदा है। ते जो कुछ तुसी वेख रहे हो समागम, ए उन्हां दा ही दित्ती हुई कृपा है, बल है, बख्शिश है। धन गुरु नानक साहब कलगीधर पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियां मेहरां हन, महापुरखां दियां सीसां, ते दास संत गुरमुख सिंह जी उन्हां दे सारे परिवार आए नाल धनवाद है। मैं होर धनवाद करदा अज साडे विच महाराज जी दे वड्डे साहिबजादे जिन्हां नूं असीं प्यार नाल पापा जी कहिंदे हां, पापा हरबंस सिंह जी, रजौरी गार्डन महाराज दा जो स्थान है उत्थे दी सेवा प्राप्त है इन्हां नूं, उह वी आए न। सारियां संगतां वालों सारे ही परिवार नूं महाराज जी दे जी आयां नूं सारी संगत कहिंदी है, क्योंकि महाराज जी का खजाना इन्होंने संभाल के रखे है और संगतां तक वो बचन पहुंचा रहे हैं जिहड़े सच्चे बचन हैं। क्योंकि महापुरख का जिहड़ा बचन होंदा है ना, बाराज बाणी कहिंदे उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन, उत्थे साहिब कहिंदे संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। एक बचन महाराज जी का होर याद आ गया, मैं आप तो नहीं बोल रहा है, सिर पर हाथ रख के इन्होंने आख्या, संतां ने तां मैं बोलदा, महाराज जी ने बाबा नंद सिंह जी ने आख्या बई तू चोलना चला जा कीर्तन एक कराओ, ते कहन लगे वापसी ते एक कीर्तन जगराओं कराना, सत बचन। कहन लगे जगराओं उत्थे खूह ते जिथे फट्टे पा के कीर्तन कीता सी उत्थे बह के, इस वारी बाजार वाली मुंह नहीं करना, पिछले पासे मुंह करना। महाराज पिछले पासे उत्थे तां होर बाजार है जिहड़ी गाण बजाण वाली हन, कहन लगे हां उत्थे बह के कीर्तन करना खूह ते फट्टे पा के, ते सारा शब्द ते साखी भी महाराज जी नूं दसी कि किवें गणका दी साखी करनी है। कहन लगे जदों महापुरख ने तोता दिता एक वेसवा नूं, उस तोते दी संगत नाल जे एक पापण वेसवा तर सकदी है, तां गुरु नानक दा कीर्तन सुन के ओ क्यों नहीं तरनगियां। ते कीर्तन नूं वडियाई, ऐसे महापुरख दी रसना तो तुसां अज कीर्तन सुनिया है, जिन्हां ने लखां नूं तारिया ते हुण वी तार रहे ते जांदी दुनिया तक तारदे रहणगे। साडे औगण बख्शाउण दी कोई थां है कि असीं गुरु दे चरणां विच हाजर होईए, जो कुछ पाया है उदा अभिमान ना करिए। बाबा जी का बचन है
एक तो हंकार ना करिए, दूजा गुरु का दर ना छड़िए, ते सबर ते शुकर विच रहिए। गुरु नानक सदा झोलियां भरनगे। हुण भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी दरबार साहब वाले वो कीर्तन करनगे, उन्हां तों बाद फिर आप अगला प्रोग्राम